गाजीपुर के सोवल थाना क्षेत्र के कालूपुर तिराहे के पास जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा गाजियाबाद से निकली जनसंख्या समाधान यात्रा के काफिले पर अराजक तत्वों ने गुरुवार की सुबह करीब 9:30 बजे अचानक हमला बोलकर वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की। इससे काफिले में शामिल लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस मामले में काफिले में शामिल आधा दर्जन लोग चोटिल हुए हैं। घटना के बाद यात्रा में शामिल जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी सहित सभी लोग मार्ग को जाम कर धरना पर बैठ गए। घटना की जानकारी होते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह सहित ADM, CEO सिटी, सोवल प्रभारी निरीक्षक पवन उपाध्याय, LIU, QRT के साथ ही कई थाना की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने सपा पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि वाहनों में सपा के लगे झंडे सवार दर्जनों लोगों ने यात्रा पर हमला बोला। आरोप लगाया कि हमला करने वाले समाजवादी पार्टी के गुंडे थे। सुनिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने क्या कहा है। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनिल चौधरी है, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर आज आप लोग कहाँ से आ रहे थे, क्या हुआ है और कहाँ जा रहे थे? सर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो 8 वर्षों से पूरे देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर आंदोलन चला रहा है, ये 4 दिसंबर से गाजियाबाद से यात्रा प्रारंभ हुई माननीय इंद्रेश कुमार जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर, और इसका समापन हो रहा है अयोध्या जी में 28 तारीख को। आज हम चंदौली से चले हैं, गाजीपुर जा रहे थे। यहाँ इस बोर्ड पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए हुए एक गाड़ी, उसमें 5-6 गुंडे, उनका जो नेता था उसने पथराव करवाया गाड़ियों पे, गाड़ियों में से खींच खींच के लोगों को मारा है। जब उन जिनको मारा जा रहा था उनको मैंने बचाने का प्रयास किया। इसका वजह क्या है, अचानक किस तरह के हमले? क्योंकि उसको लगा कि ये जनसंख्या का विषय है, उसे ये पसंद नहीं आया, या मुझे लगता है उनके अधिकारियों को पसंद नहीं आया या उनके नेताओं को पसंद नहीं आया, मुझे नहीं पता क्या कारण है, लेकिन अचानक से हमला किया है और पूरी टांग तोड़ दी है। कई लोगों की टांग टूटी है, कई लोगों के सारी गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। समाजवादी के गुंडे थे, सारे लोगों को बुलाया है। पुलिस प्रशासन बचाव में है, मैं पुलिस प्रशासन के बारे में गलत नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ विशेष सचिव के आदेश से ये पूरे जिलों के कप्तान, DM और क्षेत्राधिकारी जितने कमिश्नर थे उनको आदेश था कि इस यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाए। इस जिले में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, ये बात सच है। पुलिस नहीं बचाती तो ये पूरे लोगों को मार डाला गया होता, यहाँ ब्रूटल हत्या की गई होती अगर पुलिस यहाँ ना होती तो। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।